हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं अमित, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे कि आप फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। तो आपको कुछ एप्लीकेशन की मदद से आप उस बैकग्राउंड को, अपने फ़ोटो का या फिर किसी भी फोटो का, कोई भी फोटो की, आप उसकी बैकग्राउंड हटा सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से टेक्निकल और यूट्यूब से जुड़ी जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। सो गाइस, फाइनली देख सकते हैं फोन की स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। और ये जो एप्लीकेशन का नाम है, आपको यहाँ पे PixArt जो है एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, गूगल के प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये PixArt अभी जो है हम अभी ओपन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। सो गाइस, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कौन सी फ़ोटोज़ आपको जो है आपको बैकग्राउंड उसका रिमूव करना है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास जो फोटो अभी है, इस फोटो का भी हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है। चलिए इस फोटो का मान लेते हैं बैकग्राउंड अभी रिमूव करना है। तो ये बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं, ये फोटोज़ का जो बैकग्राउंड में डोर वगैरह है वो सभी हटा देना है, ठीक है। तो अभी हम इसको हटा कर दिखाएंगे कैसे बैकग्राउंड हटता है। तो वीडियो कौन तक बनेगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस PixArt को ओपन करते हैं। सो PixArt को ओपन कर लिए और यहाँ पर ओपन कर रहे हैं अभी। सो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है प्लस का चिन्ह दिख रहा है, प्लस का चिन्ह गुलाबी कलर का जो प्लस है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एडिट ए फोटो है, एडिट ए वीडियो है, और मैक कॉलेज है, बैकग्राउंड है। तो सो इसमें आपको कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एडिट फोटो पे आपको क्लिक करना है। सो अभी यहाँ पे जैसे फोटो एडिट आ गया, तो अब यहाँ पे अभी जैसे कैमरा है, तो कैमरा को इसको हम यहाँ से हटा देंगे, कैमरा नहीं फ़ोटो चाहिए। सो अभी इसको जो है इस फोटो का भी हम ले लेते हैं। तो ये फ़ोटो देखिए, अभी अभी जो है ये फ़ोटो को हम अभी ये बैकग्राउंड जो है करेंगे। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए यहाँ पर देखेंगे, सो ऊपर में है, यहाँ पर टूल्स है, इफेक्ट है, ब्यूटी है, स्टिकर है, सो कटआउट है। तो अभी हम यहाँ पे कटआउट करेंगे। तो कटआउट में यहाँ पर देख रहे हैं पर्सन है, फेस है, क्लॉथ है, स्काई, हेड, ईयर, बैकग्राउंड। तो आप चाहें तो आप हाथ से भी या कर खुद से भी कर सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। सो बड़ा करने के बाद यहाँ पर इस तरह से जो है आप खुद से भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये सब को हटाएंगे, तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे ये जो है इस तरह से अगर कर देते हैं, तो आपका ये बैकग्राउंड डायरेक्ट, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पे इसको ना करके आप यहाँ पे इसको आप कट कर दीजिए। और कट करने के बाद यहाँ पे जैसे कटआउट करिएगा, सो देख सकते हैं पर्सन है, फेस है, क्लॉथ है। तो पर्सन पे क्लिक कीजिएगा, सिर्फ जितना फेस होगा वही कट के आएगा। तो रिव्यू में भी आप चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं, एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिए, जितना भी बैकग्राउंड था पीछे का सभी हट जाएगा। अब इसको आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे सेव बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो सेव हो जाता है, और सेव होने के बाद ये जो आपको गैलरी में सेव हो जाता है, आप सीधे करके यहाँ पर सीधे गैलरी में जाकर देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो है आपको बैकग्राउंड, आपको PixArt का जो वहाँ पे फाइल होगा वहाँ पे आपको दिखेगा। सो कभी कभी आपको यहाँ पे नहीं दिखता है। सो एक बार नहीं होता है तो आप क्लियर होने के लिए आप यहाँ पे इसको ऐसा कीजिए, सो सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं सेव का बटन है, सेव पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सेव पिक्चर योर डिवाइस, तो इसको सेव कर दीजिए। सो सेव टू गैलरी हो गया। आप बैक करके फिर एक बार आप यहाँ पर गैलरी पर देख सकते हैं कि यह बैकग्राउंड सेव हो गया, यहाँ पर पीछे में जो भी था हट गया। तो सो गाइज, यहाँ पे इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करना है। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जानकारी कैसी लगी है कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।